अलवर शहर के तीनों अस्पतालों के ठेकेदारों के अधीन कार्यरत सफाई कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर रहे, जिससे अस्पताल की सफाई व्यवस्था गड़बड़ा गई। अलवर शहर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल, जनाना अस्पताल और शिशु अस्पताल के सफाई कर्मचारियों ने अपने वेतन से संबंधित मांगों को लेकर अस्पताल में हड़ताल कर कार्य का बहिष्कार किया और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि सफाई कर्मचारी महीने में 30 दिन और अनेक बार डबल कार्य भी करते हैं, लेकिन ठेकेदार महीने में 26 दिन का ही वेतन देता है और उनकी ईएसआई सहित अन्य कटौती का भी हिसाब ही नहीं देता। हड़ताल पीएमओ को पहले भी अवगत करा चुके हैं, तनख्वाह के मैटर में ही हुआ, उसी में जो भी हुआ, तनख्वाह टाइम पे नहीं चलती है और एक ठेकेदार ने वो 26 दिन का मैटर रखा है, जबकि मेरा कर्मचारी 30 दिन और उसमें डबल भी की काम किया जाता है और डबल के भी पैसे नहीं मिल रहे हैं और 26 दिन के पैसे दिलाया जा रहा है पीएमओ द्वारा। 30 दिन कर्मचारी काम करता है, उसके एवज में 26 दिन। क्या पहले ज्ञापन दिया था? पहले पीएमओ को 3-4 दिन पहले ही ज्ञापन दे चुके हैं, उसको उसका लेटर भी है। अवगत कराया था आपने पीएमओ से? ये है कि 30 दिन का पेमेंट मिलना चाहिए हमें और 26 दिन का दे रहे हुए, तो पीएमओ ने ये कहा था कि भाई इससे गलती हुई है यो डब्ल्यू साहब से और वो सही करवा देंगे। अभी तक सही नहीं हुआ, पेमेंट के चक्कर में ही हड़ताल हुई है। तो सारे कर्मचारी हड़ताल? हाँ सारे, दोनों तीनों अस्पतालों के। पीएफ आएगी, पीएसआई काट रहे हैं लेकिन कार्ड नहीं जब आ गए, और पीएफ ऐसा ही है जो वो अभी हमारे अकाउंट में नहीं है, वो अकाउंट में है तो वो निकल नहीं रहा है। ठेकेदार पीछे से पता नहीं क्या गड़बड़ी करता है। पीएसआई के पैसे कट रहे हैं, भुगतान हो रहा है।